सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 51st एपिसोड ऑफ एनीमे न्यूज़। आज हम बात करेंगे चेंसो मैन एनीमे न्यू इन्फॉर्मेशन, जुजुत्सु काइसन जीरो इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 ब्लू-रे रिलीज, हॉरर मांगा उजुमाकी डिलेड अगेन और भी बहुत सारी डिटेल्स के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। Thanks to all these channel members for joining and supporting the channel. You can also support us by clicking the join button. Part 1 of the anime news. Anime announcements, trailers, promos and more. One of the biggest anime conventions, Anime Expo 2022, 2 से लेकर 4 जुलाई तक चला, जिसमें बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं चेंसो मैन की, क्योंकि सभी लोग इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे एंड अनफॉर्चुनेटली हमें नया पीवी नहीं मिला, क्योंकि मापा के सीईओ का कहना है कि वो और भी ज्यादा फुटेज दिखाने से पहले उन्हें परफेक्ट बनाना चाहते हैं। साथ में ये भी रिवील किया गया कि एनिमे मांगा को फेथफुली अडेप्ट करेगा, इसमें किसी तरह की भी सेंसरशिप नहीं होगी और इसकी प्रोडक्शन में इसके मांगाका तात्सुकी फुजीमोतो क्लोजली इन्वॉल्वड है। और इतना ही नहीं, एनिमे में हमें कुछ एक्स्ट्रा ओरिजिनल सीन्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जिन एनिमे के प्रमोशनल वीडियोस रिलीज हुए हैं वो हैं जोजो स्टोन ओशियन पार्ट 2 जो 1 सितंबर 2022 को रिलीज हो रहा है, टू योर इटर्निटी सीजन 2 जो इस अक्टूबर में रिलीज होगा, ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क और मोब साइको 100 सीजन 3। ब्लीच से एक विजुअल और पीवी रिलीज हुआ है और मोब साइको सीजन 3 का विजुअल और ओपनिंग सॉन्ग रिवील हो चुका है। सारे प्रोमो वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2023 के लिए जो एनिमे की अनाउंसमेंट्स हुई है वो है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक सीजन 2, यस मोर कंट्रोवर्सी, सोलो लेवलिंग जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे मेन चैनल पर मिल जाएगी, मिशेल मैजिक एंड मसल्स एनिमे, ट्राइगन स्टैम्पीड, आई होप स्टूडियो ऑरेंज इसे अच्छे से अडेप्ट करे, जॉबलेस रीइनकार्नेशन सीजन 2 और तोमो चा इज अ गर्ल। इनमें से कुछ एनिमे के ट्रेलर्स भी रिलीज हो चुके हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यही थी कुछ मेजर डिटेल्स फ्रॉम एनिमे एक्सपो 2022 एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। जुंजी इतो की पॉपुलर मांगा उजुमाकी की एनिमे अडेप्टेशन जो इस साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी वो एक बार फिर से डिले कर दी गई है। उजुमाकी एनिमे के ट्विटर पेज ने एनिमे के डिले को लेकर ये मैसेज शेयर किया, प्रोडक्शन और क्वालिटी इश्यूज के चलते डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम ने थोड़ा टाइम और मांगा है फैंस से ताकि वो इस एडेप्टेशन को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। फिलहाल के लिए कोई नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है एंड दैट्स इट। बाय द वे, नेटफ्लिक्स ने भी गीक इवेंट के दौरान जुंजी इतो का एक नया एनिमे प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। एनिमे का टाइटल है जुंजी इतो मेनियक जापानीज टेल्स ऑफ द मैकेबरी। I hope the pronunciation is right. इस एनिमे adaptation में जुंजी इतो की 20 different manga से कुछ selected stories को adapt किया जाएगा। 20 में से 3 manga खुद जुंजी इतो ने reveal की है। manga का नाम है तोमेई सोची और द हैंगिंग बलून्स। एनिमे 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। नेटफ्लिक्स ने बबल और वैम्पायर इन द गार्डन के बाद विड स्टूडियो के साथ एक और एनिमे प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। एनिमे प्रोजेक्ट का नाम है मून राइज, जिसका विजुअल भी रिलीज किया गया है। ये प्रोजेक्ट कोई मूवी होगी या सीरीज इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट इतना रिवील किया गया है कि इस एनिमे की स्टोरी आउटर स्पेस में कहीं सेट होने वाली है। सो नेटफ्लिक्स एंड देयर अनलिमिटेड डेथ नोट वर्क्स, इस लिस्ट में अब एक और अडेप्टेशन जुड़ने जा रही है बाय नेटफ्लिक्स अगेन। नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है कि वो अब डेथ नोट की फिल्म अडेप्टेशन के बाद वेब सीरीज अडेप्टेशन प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसे डायरेक्ट करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के डायरेक्टर डफर ब्रदर्स। डफर ब्रदर्स की कंपनी अपसाइड डाउन पिक्चर्स इस अडेप्टेशन की इंचार्ज होगी। आई एम बोथ स्केप्टिकल एंड होपफुल फॉर दिस प्रोजेक्ट, बाकी देखते हैं कैसा आउटकम होता है। लाइव एक्शन की बात हो रही है तो द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री न्यूज वेबसाइट डेडलाइन ने रिवील किया है कि वन पंच मैन की लाइव एक्शन अडेप्टेशन फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्ट करेंगे जस्टिन लिन। जस्टिन लिन इससे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस 6 और फास्ट एंड फ्यूरियस 9 डायरेक्ट कर चुके हैं। Now let's talk about small but major updates. Attack on Titan the final season की Blu-ray volume 3 का एक cover release किया गया है जो इस वक्त आपकी screen पर है। Blu-ray volume 3 20 जुलाई को Japan में officially release होगी। Kaguya-sama Love is War का season 3 end हो चुका है और season 3 की continuation अब movie के through की जाएगी। Yes, इस movie में manga की 14th arc of the same name adapt की जाएगी। Dr. Stone के season 3 का title announce किया गया है। Season 3 का title है Dr. Stone New World। Anime next year April से शुरू होगा। Toei Animation ने recently the first Slam Dunk movie के कुछ विजुअल्स और एक टीजर रिवील किया है। टीजर से ये कंफर्म है कि मूवी 3D CG होने वाली है। मूवी 3 दिसंबर को जापान में रिलीज होगी। सेवन डेडली सिंस की नई एनिमे फिल्म द सेवन डेडली सिंस ग्रज ऑफ एडिनबर्ग का पार्ट 1 नेटफ्लिक्स में इस दिसंबर को प्रीमियर होने वाला है। मूवी के कुछ कैरेक्टर डिजाइंस भी रिवील हुए हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। तो कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे का सीक्वल सीरीज अभी प्रोडक्शन में है, जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के आगे से कंटिन्यू होगा। एनिमे अगले साल से प्रीमियर होना शुरू होगा। अ साइलेंट वॉइस मूवी की डायरेक्टर नाओको यामादा की न्यू मूवी गार्डन ऑफ रिमेंबरेंस को 2023 के लिए ऑफिशियली अनाउंस
कर दिया गया है। स्टूडियो साइंस सारू इस मूवी को एनिमेट करेगा। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन द मूवी प्रोग्रेसिव की सीक्वल फिल्म स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन द मूवी प्रोग्रेसिव शिज़ेरो ऑफ डार्क डस्क का नया विजुअल और पीवी रिलीज हुआ है और ये भी कंफर्म हो चुका है कि मूवी 10 सितंबर को रिलीज होगी। द ब्रेक ऑफ डॉन मूवी का एक नया विजुअल रिलीज हुआ है और मूवी 2022 अक्टूबर में जापान में रिलीज होगी। डोरेमोन की न्यू मूवी नोबिता स्काई यूटोपिया का एक टीजर और विजुअल रिलीज हुआ है। मूवी अगले साल मार्च में रिलीज होगी। पार्ट 2 ऑफ द एनिमे न्यूज मांगा एंड लाइट नॉवेल्स। तात्सुकी फुजीमोतो की चेनसॉ मैन मांगा पार्ट 2 के रिलीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। मांगा का पार्ट 2 13 जुलाई से शोनन जंप प्लस के ऐप और वेबसाइट पर ऑफिशियली रिलीज होगा। साथ ही फुजीमोतो ओतो तोदा के साथ कोलैबोरेशन में एक वन शॉट मांगा पर भी काम कर रहे हैं जिसका टाइटल है फुत्सु नो कितेकुरे। मांगा की स्टोरी पर फुजीमोतो ने काम किया है और मांगा को इलस्ट्रेट किया है ओतो तोदा ने। ये मांगा भी शोनन जंप प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगी 4 जुलाई को। शोकाकुकान पब्लिशिंग हाउस की जापानीज मैगजीन बिग कॉमिक सुपीरियर में रिवील हुआ है कि ओयासुमी पुनपुन मांगा के ऑथर इनियो असानो की न्यू मांगा इस विंटर में पब्लिश होना शुरू होगी। मांगा से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स अभी शेयर नहीं की गई हैं। असानो की लास्ट मांगा थी डेड डीमंस डीडीडी व्हाटएवर जो इसी साल फरवरी में एंड हुई है। एक ट्विटर अकाउंट मांगा मोगुरा री के सोर्सेस के अकॉर्डिंग कागुरा सामा लव इज वॉर की मांगा नेक्स्ट 14 चैप्टर्स में एंड हो सकती है। मांगा को उसकी 28th वॉल्यूम में रैप किया जाएगा। बोरुटो मांगा इसी मंथ यानी कि जुलाई से हाइएटस पर जा रही है। मांगा के फर्दर चैप्टर्स अगस्त 20 से पब्लिश होना शुरू होंगे। तक ओपी डेस्टिनी एनिमे के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने एनिमे की मांगा एडेप्टेशन अनाउंस की है। मांगा का एक कवर आर्ट भी रिलीज किया गया है। मांगा इसी समर में पब्लिश होना शुरू होगी। तो शुएशा ने अनाउंस किया है वन पीस रेड फिल्म की नॉवल अडेप्टेशन 9 अगस्त को पब्लिश की जाएगी। जून एस का इस नॉवल को लिखने वाले हैं जो इससे पहले वन पीस की स्पिन ऑफ नॉवल वन पीस हेरोइंस भी लिख चुके हैं। तो रिसेंटली कुछ मांगा और लाइट नॉवल्स की एनिमे अडेप्टेशन भी अनाउंस की गई है। लेट मी जस्ट फ्रेज देम वन बाय वन। मियुकी तोनोगाया की रोमांटिक कॉमेडी मांगा द आइस गाय एंड हिज कूल फीमेल कलीग इस मांगा के एनिमे की फर्दर डिटेल्स 3 अगस्त को रिवील की जाएगी। नाओकी यामाकावा और मसाशी असाकी की क्राइम सस्पेंस सेनन मांगा माय हीरो होम। मिसाकी ताकामात्सु की मांगा स्किप एंड लोफर इसका एक प्रोमो और कुछ कैरेक्टर विजुअल्स भी रिलीज हो चुके हैं। नाओ इवामोतो की मांगा लैंड ऑफ गोल्ड लैंड ऑफ वाटर इस मांगा की एनिमे मूवी अडेप्टेशन अनाउंस हो चुकी है जिस पर स्टूडियो मैड हाउस काम कर रहा है। मूवी 2023 में रिलीज होगी। स्टूडियो मैड हाउस एक और मांगा की एनिमे अडेप्टेशन पर वर्क कर रहा है। मांगा का टाइटल है ची अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इस हिस्टोरिकल सेनन मांगा को ओतो ने लिखा और इलस्ट्रेट किया है। तो फोरशा के कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग मैशल मैजिक एंड मसल्स की एनिमे अडेप्टेशन पर काम चल रहा है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट 3 ऑफ एनिमे न्यूज एनिमे गेमिंग न्यूज। द समर गेम फेस्ट 2022 लाइव स्ट्रीम इवेंट में वन पीस ओडिसी गेम का नया ट्रेलर स्ट्रीम किया गया। गेम प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स और पीसी के लिए इसी साल रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स के गीक वीक इवेंट में अनाउंस किया गया 2020 में रिलीज हुई इंडियन आरपीजी गेम राजी एंड एशियंट एपिक जल्द ही इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए भी रिलीज किया जाएगा नेटफ्लिक्स के गेमिंग यूनिट के अंडर। नेटफ्लिक्स ने लास्ट ईयर ही अपने ऐप के अंदर एक गेमिंग सेक्शन लॉन्च किया है और नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में अभी 22 गेम्स हैं जो वो इस साल के एंड तक 50 तक एक्सपेंड करना चाहते हैं। बांडाई नामको एंटरटेनमेंट ने डिजिमोन सर्वाइव हाइब्रिड विजुअल नॉवल और टैक्टिकल रोल प्लेइंग गेम का ट्रेलर स्ट्रीम किया है। ट्रेलर में गेम के कैरेक्टर डिटेल्स और गेम प्ले की फुटेज है। गेम 28 जुलाई को जापान और 29 जुलाई को ग्लोबली रिलीज होगा। जापानीज गेमिंग कंपनी एटलस ने अनाउंस किया है पर्सोना 3 पोर्टेबल पर्सोना 4 गोल्डन और पर्सोना 5 रॉयल गेम्स जो कि एक्सबॉक्स सीरीज एक्सबॉक्स 1 और पीसी के लिए अवेलेबल होने वाला है। पहले पर्सोना 5 रॉयल 21 अक्टूबर को रिलीज होगा उसके बाद बाकी 2 गेम्स नेक्स्ट ईयर रिलीज होंगी। सो पार्ट 4 ऑफ द एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। नेटफ्लिक्स स्प्रीगन और स्प्राइगन एंड बास्टर्ड हैवी मेटल डार्क फैंटेसी के एपिसोड्स ग्लोबली स्ट्रीम कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडियन रीजन और साथ ही नेटफ्लिक्स ऑनगोइंग समर एनिमे अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड भी साइमलकास्ट कर रहा है 6 जुलाई से। न्यूज एशिया एनिमन एशिया बिलीबिली और क्रंची रोल जो जो ऑनगोइंग शोज साइमलकास्ट कर रहे हैं उन सबकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा एनिमन एशिया 2-3 और शोज अपने यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम कर रहा है। डोंट टॉय विद मी मिस नागातारोसा 25 जून से फॉर रेगुलर ऑडियंस एंड फॉर प्लैटिनम मेंबर्स डॉक्टर स्टोन का स्पेशल एपिसोड रियुसोई। एनिमन एशिया कुरोकोनो बास्केट की 4 मूवीज भी स्ट्रीम कर रहा है फॉर फ्री फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड एंड लिमिटेड टाइम ओवर होने के बाद ये सिर्फ अल्ट्रा मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कर दिया जाएगा। बिलीबिली ने अपनी वेबसाइट पर डिटेक्टिव कोनन के ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स लिस्ट किए हैं इन इंडियन रीजन फॉर एब्सोल्युटली फ्री। टोटल 1105 एपिसोड्स बिलीबिली स्ट्रीम कर रहा है। जापान में अभी तक 1046 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं तो फ्यूचर में आने वाले और एपिसोड्स भी अवेलेबल
हो सकते हैं बिलीबिली पर। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तुम सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट एंड डिमांड्स के बाद पीवीआर ने फाइनली 30 जून को जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी रिलीज कर दी। मूवी काफी लिमिटेड स्क्रीन्स अराउंड 200 स्क्रीन्स पर ही रिलीज की गई थी एंड उसके बावजूद शुरू के 4 दिन में ही उसने 5 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया, जो कि सेम वीक में रिलीज हुई ऑलमोस्ट सारी बॉलीवुड मूवीज एंड मिनियंस की लेटेस्ट मूवी के कलेक्शन से भी ज्यादा है। वेल कुडोस टू यू गाइस फॉर गिविंग इट सच अ मैसिव रिस्पांस एंड मेकिंग इट सच अ बिग हिट इन इंडिया। इतनी लेट रिलीज होने के बाद भी इतने जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ कमल ज्ञानचंदानी ने यह अनाउंस किया है कि वो इन फ्यूचर और भी ज्यादा ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा एनिमे कंटेंट को थिएटर्स पर रिलीज करने के लिए। तो फिलहाल मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग पीवीआर अपकमिंग मकोटो शिंकाई मूवी सुजुमे नो तोजीमारी के लिए जरूर ट्राई करेगा, बिकॉज वन पीस रेड फिल्म और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी दोनों को ही क्रंची रोल वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड सोनी क्रंची रोल को ओन करता है। तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की सक्सेस ही ये डिसाइड करेगी कि वन पीस रेड इंडिया में आएगी या नहीं। फिलहाल इफ यू लुकिंग फॉर द नेक्स्ट एनिमे मूवी रिलीज इन इंडिया देन इट इज डेफिनेटली ड्रैगन बॉल सुपर हीरो ऑन ऑगस्ट 26। और हाँ, एनीवन एशिया और स्टार सिनेप्लेक्स ने ये रिसेंटली अनाउंस किया है कि जुजुत्सु काइसेन जीरो बांग्लादेश में 22 जुलाई को रिलीज की जाएगी। तो प्लेवर्स के बारे में मैंने आपको पिछले न्यूज वीडियो में बताया था। इफ यू डोंट रिमेम्बर, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, प्लेवर्स एक स्टार्टअप है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉर एनिमे इन इंडिया। और ओटीटी के लॉन्च से पहले उन्होंने एक प्री रजिस्ट्रेशन चालू किया था जिसमें उन्हें फिलहाल 18,000 रिस्पॉन्स मिले हैं एंड दे वर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 30,000। सो उन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन को एक और महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है जस्ट टू सी द फुल पोटेंशियल। अगर सच में हिंदी डब की डिमांड है अमॉन्ग इंडियन ऑडियंस देन गो एंड बी पार्ट ऑफ द प्री रजिस्ट्रेशन इफ यू वॉन्ट। मंथ के एंड तक अगर उन्हें सही से रिस्पॉन्स नहीं मिला देन दे आर गोइंग टू कैंसिल द प्रोजेक्ट। सो इंडियन एनिमेशन स्टूडियो, सॉरी इफ आई बचर द प्रोनाउंसिएशन, इक्सोरस ने लास्ट ईयर एक शॉर्ट एनिमेशन फिल्म की अनाउंसमेंट की थी जिसका टाइटल था श्री औरोबिंदो अ न्यू डॉन। ये शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म इंडियन फ्रीडम फाइटर श्री औरोबिंदो घोष की लाइफ पर बेस्ड है। इस मूवी प्रोजेक्ट के लिए स्टूडियो ने लास्ट ईयर 2 करोड़ रुपए की क्राउड फंडिंग भी रेज की थी एंड फॉर नाउ ये मूवी नेक्स्ट मंथ 15 अगस्त को रिलीज की जाएगी। 15 अगस्त को ही श्री औरोबिंदो घोष की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी भी है। द एनिमेशन एंड द आर्ट स्टाइल लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, सो डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। जापानीज क्लोथिंग ब्रांड यूनिक्लो ने हाल ही में एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है स्पाई एक्स फैमिली के साथ। आई जस्ट सेड द एक्स इन स्पाई फैमिली। यूनिक्लो ने कुछ स्पाई फैमिली डिजाइंड टी-शर्ट्स लॉन्च की है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये टी-शर्ट्स आपको इंडिया के यूनिक्लो स्टोर्स पर आराम से मिल जाएंगी और मे बी नॉट, स्टिल यू कैन चेक इफ अगर आपके घर के आसपास कोई यूनिक्लो स्टोर हो तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जाने से पहले वीप सेंटर पर इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना फॉर रेगुलर न्यूज एंड अपडेट्स। वी विल मीट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ एंड बाय बाय।